हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेम्परेरी क्राउन्स के बारे में। जैसा कि इसका नाम है टेम्परेरी क्राउन्स, तो ये कुछ समय के लिए ही एक पेशेंट को दिया जाता है, क्योंकि जब एक परमानेंट आप रेस्टोरेशंस या कैप कराने जाते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है। उस समय के जो गैप के बीच में, जब तक परमानेंट नहीं लगा और उसके जब कटिंग आपके दांत की हो चुकी है, उसके बीच का जो समय होता है उसको हम टेम्परेरी क्राउन कहते हैं। ये बेसिकली एक्रेलिक के मटेरियल का बना होता है और इट प्रोवाइड्स ए शील्ड फॉर द टूथ, ओरिजिनल टूथ। यू कैन से आप थोड़े समय के लिए इसको लगाते हैं, उसके बाद उतार के इसको थ्रो कर दिया जाता है और नया कैप लगा दिया जाता है। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रवीण भाटिया, डायरेक्टर भाटिया डेंटोपल्स, जनकपुरे, न्यू दिल्ली। एक डेंटिस्ट होने के नाते छोटी छोटी सी बारीकियां मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आगे हम चलते हैं कि क्या टेम्परेरी क्राउन का पर्पस रहता है। पर्पस फ्रेंड्स इसका ये है, पहला पर्पस लुक्स के लिए। जब भी कोई आपका दांत टूट जाता है, स्पेशली सामने का दांत, तो कोई भी पेशेंट बिना क्राउन के नहीं जाना चाहता है। हमने परमानेंट दांत का इंप्रेशन लिया है तो हम उसको लुक्स के लिए हम वो जरूर देते हैं। नेक्स्ट आता है, इट हेल्प्स इन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। जब भी हम एक वाइटल दांत को हम काटते हैं तो उसके ऊपर सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है और खाने में भी दिक्कत होती है। मान लीजिए पोस्टीरियर यानी पीछे के दांतों में अगर दिक्कत है, पानी भी लग रहा है, खाना भी नहीं खाया जा रहा है, तो हम टेम्परेरी क्राउन देके कुछ समय के लिए उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं, ताकि पेशेंट आराम से खाना भी खा सके और पानी वगैरह पीने में उसको सेंसिटिविटी भी ना हो। थर्ड फैक्टर आता है जब हम इम्प्लांट्स किसी के लगाते हैं, क्योंकि हमें ऑस्टियो इंटीग्रेशन का, जो मैंने बताया कि 3 महीने का समय होता है, उसको चाहिए। तब तक पेशेंट क्या खाए, हल्का सॉफ्ट खाए और सामने के दांत हैं तो लुक्स में भी मैटर करता है, फील्स वेरी एम्बेरेस्ड। सो इसके लिए हम टेम्परेरी क्राउन देते हैं। एक नेक्स्ट एक फैक्टर आता है, ओरिजिनल टूथ सुपरा इरप्टेड ना हो जाए। मान लीजिए आपको कुछ समय के लिए, 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन हमने क्राउन बनाने के लिए लेने हैं, कोई स्पेशल टाइप का क्राउन भी है, तो उस दौरान आपका जिस दांत की हमने कटिंग की है कहीं वो आपस में शिफ्ट ना कर जाए, तो इसको सुपरा इरप्टेड से बचने के लिए भी किया जाता है। और नेक्स्ट फेस रहता है, जब तक परमानेंट क्राउन बन ना जाए। इट सर्व्स आल्सो ए प्रीव्यू ऑफ फाइनल वन। जो फाइनल बन के आएगा उसका एक छोटा सा प्रीव्यू तो हो ही जाता है। अब फ्रेंड्स आता है, जब हम टेम्परेरी क्राउन बना लेते हैं और हमने पेशेंट के लगा दिया, तो पेशेंट को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे पहले हार्ड या स्टिकी फूड ना लें, नट्स वगैरह ना खाएं, क्योंकि वो निकल सकता है या वो टूट सकता है, क्योंकि वो एक्रेलिक के मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए वो टूटने की संभावना बहुत अधिक है। ये फ्रेंड्स ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम समय में बनाया जाता है। इसको एडजस्टमेंट्स करते रहिए, थोड़े दिन की बात है नया वाला कैप बन जाएगा। और कभी भी इस क्राउन को परमानेंट से कंपैरिजन ना करें, क्योंकि एक तो ये एक्रेलिक का है और ये बहुत लाइट होता है, वेट में बहुत हल्का होता है, और जो परमानेंट क्राउन होता है थोड़ा कंपैरेटिवली भारी होता है, तो लोग उससे कंपेयर करते हैं और जल्दी टूट जाता है। इसलिए उस पुराने वाले से तो, परमानेंट से तो बिल्कुल भी कंपेयर ना करें, और ये कभी ना समझें कि ये रेप्लिका ना समझें परमानेंट का, क्योंकि परमानेंट और इसके स्ट्रक्चर्स में, क्योंकि परमानेंट जिरकोनिया का होगा या पीएफएम होगा, तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। अब फ्रेंड्स लास्ट में आता है, इसकी लाइफ कितनी है। लाइफ फ्रेंड्स इसकी 8 to 15 days इन केस ऑफ मोलर, क्योंकि एक्रेलिक का बना है, टूट सकता है ज्यादा हार्ड दबाया या वैसे भी नॉर्मल कोर्स में भी। और दूसरा, अगर सेंट्रल दांत हैं तो 1 से 2 महीने तक ये चल जाता है। लेकिन ये कभी मत समझें कि टेम्परेरी क्राउन लग गया तो सारी जिंदगी लगाने की जरूरत नहीं है, डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसका डिसकलराइजेशन भी हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज एक्रेलिक एब्जॉर्ब कलर्स। सो अब आता है इसमें मेकिंग टाइम। मेकिंग टाइम क्या रहता है, चेयर साइड पे आजकल इंस्टेंट कैप्स बनने लगे हैं, इसकी पेस्ट आने लगी हैं, जो आपको तुरंत के तुरंत, जो ही कटिंग की है एक डॉक्टर कॉम्पोजिट के माध्यम से या लाइट क्योर के माध्यम से, तुरंत बना देता है। एक्रेलिक भी बनते हैं, बहुत से टेम्परेरी क्राउन्स के मटेरियल्स आ गए। हाँ, अगर लैब में भी भेजना पड़े तो ये आवर्स में बन सकता है।
सो इजी टू रिमूव है, जब भी इसको निकालना है निकालें और परमानेंट लाइफ को रिस्टोर कर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप ये टेम्परेरी क्राउन्स का आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, यूजफुल होगा। एक डेंटिस्ट को आप समझ सकते हैं कि इसने क्यों लगाया होगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड कमेंट ऑन दिस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू रियली लाइक इट। सो सब्सक्राइब माई चैनल, आई ऑलवेज से एट द एंड, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर टेम्परेरी क्राउन। टेम्परेरी क्राउन विल टेक केयर ऑफ यू फॉर फ्यू डेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।